हेलो टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 17 ऑफ एक्सरसाइज एट डी क्लास सिक्स आर एस अग्रवाल मैथ इससे पहले वीडियो में वन टू टेन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा ओके एंड द क्वेश्चन इलेवन इज फाइव ए माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस इन करली ब्रैकेट टू ए इन स्मॉल ब्रैकेट वन माइनस ए प्लस फोर ए स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस थ्री ए अदर स्मॉल ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए माइनस थ्री स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस एट ए तो चलिए करते हैं तो हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू बोदमाश हम क्या करेंगे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट से पहले जो भी हम सब उतारते चल रहे हैं उतार लिया ये करली ब्रैकेट आ गया अब स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो अंदर तो सारे अनलाइक टर्म है तो अंदर मतलब कोई प्लस माइनस तो होगा नहीं तो स्मॉल ब्रैकेट से जस्ट पहले जो भी लिखा है इसका मतलब होता है into, two A का इन तीनों टर्म में मल्टीपल करो तो टू ए का बन में करेंगे तो क्या आ टू ए स्मॉल ब्रैकेट खुल रहा है रिमूव हो रहा है टू ए का माइनस ए में करेंगे तो माइनस टू अब ए इन टू ए क्या हो गया A square power ए स्क्वायर पावर एड हो जाएगी अब टू ए का प्लस फोर में करेंगे तो कॉन्स्टेंट का प्लस प्लस तो प्लस हो गया टू फोर जा एट बेरीवल का बेरीवल में ए इंटू ए स्क्वायर ए की पावर टू यहां वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम जो पहले हम बता चुके हैं ए इंटू ए की पावर एन क्या होता है ए की पावर एन प्लस एन वही तो है तो ए की पावर वन है यहां टू है तो वन प्लस टू क्या हो जाएगा क्यू यानी कि एट क्यू और ये ब्रैकेट हो गया रू कौन सा यार फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट अब फिर स्मॉल ब्रैकेट आ गया यहां भी अंदर क्या है ऑल आर अनैक्टर्म मतलब एड नहीं हो रहे हैं तो माइनस थ्री ए का मल्टीपल करेंगे जब कभी भी माइनस का मल्टीपिल करो तो विशेष ध्यान रखना है ना माइनस में स्टूडेंट्स काफी गलती करते हैं माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल होगा तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म है सबके साइन चेंज होंगे पहला प्लस है तो पहला माइनस हो जाएगा पहले तो आप साइन कभी कर लो अब मल्टीपल करो थ्री ए का स्क्वायर में तो थ्री ए का ही रहेगा और ए का ए स्क्वायर में तो पावर टू यहाँ पावर वन पावर एड हो जाती है तो ए की पावर थ्री अभी माइनस है तो प्लस हो जाएगा

ए स्क्वायर माइनस अब पहले करली ब्रैकेट में लाइक like टर्म को एड कर लो लाइक like टर्म कौन कौन से है? सबसे बड़ी पावर क्यूब वाली देखें एक क्यूब दो क्यूब मतलब दो टर्म है ना एट ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब एट में से थ्री सपरेट करेंगे तो प्लस के फाइव ए क्यूब बड़े नंबर में से छोटा नंबर सपरेट करें प्लस का फाइव आएगा प्लस फाइव ए अब स्क्वायर वाले टर्म देखा देखो फिफ्टीन ए स्क्वायर माइनस टू फिफ्टीन में से टू सेट करा तो प्लस का थर्टीन आया और ए स्क्वायर साथ में तो ए स्क्वायर अब कौन से लेंगे ए वाली टर्म

प्लस इलेवन ए और ब्रैकेट के बाहर है तो इसका इसके चेंज मत कर देना ये तो ब्रैकेट क्लोज हो गया इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी मल्टीपल सॉरी टर्म है उसमें मल्टीपल हो गया यानी कि उनके साइन चेंज होंगे तो ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस एट ए ही रहेगा अब फिर वही जो लाइक टर्म हो उनको एड कर लो तो ये आंसर आ जाएगा देखें सबसे बड़ी पावर ए क्यू ए की टर्म है तो लिख लो फिर उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म ए की है तो ये पी एस लिख लो ए वाले दो टर्म है इलेवन ए और फाइव ए दोनों प्लस के तो हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे सॉरी सॉरी एक ए एट और था चलिए मैं लिख ध्यान नहीं रही अब नीचे लिख दूंगा है ना आपको यहीं लिखना होगा ये क्या हुआ एट ए हो जाएगा प्लस का सिक्सटीन ए में से एट ए गए ये भी तो है फाइव ए प्लस इलेवन सिक्सटी ए सिक्सटीन में से एट गया एट यहीं लिख देते अब मैंने काट फिट नहीं करा नीचे एक लाइन में लिख दे रहा हूँ आप भी एग्जाम में ऐसी करेंगे गलती से उतार लो तो काट फिट कम करना चाहिए फिर बातों बातों में है ना सिक्सटीन में से एट गया एट इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ओके okay. और थोड़ा छोटा कर पूरा दिख जाएगा, अब तो क्लियर? 3 क्लोज प्लस टू एक्स स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई तो सेम फर्स्ट वी विल सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट से पहले जो कुछ भी है एट हमने उतार लिया अब स्मॉल ब्रैकेट आ गया 5X, Y3, time, नहीं, नहीं, तो बस क्या काम करना, का अंदर करना और ये हो जाएगा। तो करते हैं माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस वाई माइनस माइनस प्लस थ्री क्या यह प्लस टू एक्स स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट रिमूव ये कर लिया ब्रैकेट आ गया अब यहां स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो माइनस का अंदर मल्टीपल कर दो Minus minus 3y. तो हमने दोनों कर लिए, कर अब करली ब्रैकेट सॉल्व करना है तो करली ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले अगर देखो एक तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म बड़ा वाला टर्म में ऊपर लिख लेता हूं मतलब पहले लिख लेता हूं लिख लो नहीं लिखू बताओ चलो ऐसे चलो टू वाई में से वाई है टू वाई माइनस वाई प्लस की वाई माइनस थ्री एक्स सॉरी फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स और क्या बचा प्लस थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बच्चा तो सबसे लास्ट में अरेंज कर लेंगे अब करली ब्रैकेट में सब हम एड सेप्टर जो होना था हो गया तो अब कैसे रिमूव होगा इससे पहले माइनस का साइन है यानी कि माइनस का अंदर मल्टीपल करना है स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया एक्स माइनस का मल्टीपल करेंगे तो साइन बिल बी चेंज प्लस का भाई हो गया माइनस में और फाइव एक्स माइनस प्लस माइनस थ्री और माइनस प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये रिमूव हो गया बाकी जो कुछ भी है उतार लो अब क्या रह गया ओनली स्क्वायर ब्रैकेट अब स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करने से पहले क्या करेंगे जो कुछ भी टर्म एड याब हो रहे होंगे उन्हें करेंगे तो लाइक टर्म देखें सबसे बड़ी पावर और पहले, टर्म देखें। के एक्सरा जो अंडरलाइन कर रहा हूं आप लोग अंडरलाइन नहीं करोगे समझाने के लिए और ये फाइव एक्स कितना तो हो गया फाइव और वन प्लस के सिक्स एक्स अब बाई वाला देख लेते हैं थ्री वाई प्लस के रहा है ना देख है जो मैं सर यहाँ दिखा रहा हूँ थ्री वाई और माइनस ये थ्री में से बन गए तो प्लस के टू वाई कॉन्स्टेंट का माइनस थ्री है अब सब एड सप्टेड हो गया तो आप ब्रैकेट के बाहर माइनस माइनस तो का अंदर मल्टीपल तो थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस माइनस प्लस थ्री इसको अरेंज कर लो मतलब स्क्वायर वाला टम पहले लिख लो एक्स वाला उसके बाद फिर वाई वाला फिर कॉन्स्टेंट थ्री प्लस थ्री कितना हो गया सिक्स इट इज दूसन ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थ्री एक्सर माइनस सिक्स टू वाई प्लस वाली क्वेश्चन बहुत इजी है बस आपको रूल याद रहना चाहिए बोर्ड मास रूल और शुरू शुरू में होता है फिर बच्चे को बहुत अच्छे लगते हैं कितना ही बड़े बड़े सवाल देते हैं सब तुरंत सबके सब सही सब करते हैं ना अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे अगर बार ब्रैकेट होगा तो बार ब्रैकेट लगाएंगे एक ही क्वेश्चन दे रखा आपका बड़ा बार ब्रैकेट का आने वाला है क्वेश्चन सिक्सटीन है वो बाकी किसी में नहीं है उसके बाद स्मॉल उसके बाद कर ली और लास्ट में बिल्कुल ठीक स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें भी ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास रूल चलेगा अगर कोई पहले ऑफ है तो ऑफ करेंगे उसका डिवाइड उसका मल्टीप्लिकेशन उसका एडिशन और लास्ट में सबट्रैक्शन ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन एंड द क्वेश्चन थर्टीन इज एक्स वाई माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस इन करली ब्रैकेट वाई एक्स माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट थ्री वाई माइनस एक्स जेड ब्रैकेट क्लोज माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई जेड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज जल्दी पड़ दिया क्वेश्चन तो लिख हुआ है ना क्योंकि अभी इस, भी एक, इस वीडियो में भी एक्सरसाइज खत्म करनी है तो वही क्या करें सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट से पहले जो भी है उतार लिया माइनस इन करली ब्रैकेट वाई एक्स स्मॉल ब्रैकेट आ गया स्मॉल ब्रैकेट में दोनों टर्म अनलाइक है मतलब ये सपरेट नहीं हो सकते तो क्या काम होगा माइनस का अंदर कर करते ब्रैकेट का माइनस है माइनस का अंदर, अंदर मल्टीपल करते हैं तो माइनस थ्री वाई माइनस माइनस प्लस एक्स जेड स्मॉल ब्रैकेट रिमूव फिर एक और आ गया अब अंदर फिर माइनस ये तो अनलाइक है इसे कोई सपरेट तो होगा नहीं सिर्फ क्या काम होना माइनस का अंदर मल्टीपल तो ये भी यहीं खुल जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस जेड वाई और करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अब टर्म आया करली ब्रैकेट का तो करली ब्रैकेट के पहले जो भी कुछ है मैंने सेम उतार लिया वाई जेड माइनस जेड एस माइनस अब करली ब्रैकेट देखें लाइक टर्म है हैं। कैसे देखो वाई एक्स और एक्स वाई एक ही बात होती है है ना ये प्लस का ये माइनस एक्स वाई से माइनस के कैंसिल हो गए अब क्या बच्चा अब बाकी कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको एज इट आप उतार लीजिए जो कुछ भी बचा ये बचा था थ्री वाई प्लस के जेड प्लस के जेड वाई अब करली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो करली ब्रैकेट से पहले क्या है क्या है हा माइनस का साइन तो माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे माइनस माइनस प्लस थ्री वाई माइनस प्लस माइनस एक्स जेड और माइनस प्लस माइनस जेड वाई करली ब्रैकेट रिमूव अब स्क्वायर ब्रैकेट में देखें 4Z, Z का कोई टर्म नहीं है मतलब ZX तो थ्री इंटू फोर फोर इंटू थ्री भी ट्वेल्व होता, होता है कंप्यूटे है ना तो जो पहले एड हो रहा है ना एड करके लिख लेते चलो देखो ये मैंने अंडर जो लाइन करी है ये लाइक टर्म है एक्स जेड और जेड एक्स है ना तो ये कितने माइनस के एक्स जेड और माइनस के एक्सैड माइनस के टू एक्स जेड अब आपकी मर्जी है चाहे आप माइनस के टू एक्स जेड लिखो चाहे जेड एक्स उससे कोई फर्क नहीं है ओके और तो आगे पीछे टर्म भी हो सकते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं है अब और कोई है थ्री वाई और कुछ नहीं है तो बस ऐसे उतार लो प्लस फोर जेड और प्लस थ्री वाई माइनस जेड वाई एक बार मैं खुद देख लूँ मैं भी गड़बड़ कर देता हूँ उतारने में ना माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स माइनस के टू एक्स फोर आ गया थ्री ओके अब स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करने का समय आ गया तो क्या करेंगे कुछ बस माइनस का अंदर मल्टीपल करना और कुछ तो करना नहीं है कर दीजिए माइनस माइनस प्लस टू जेड एक्स माइनस प्लस माइनस फोर जेड माइनस प्लस माइनस थ्री वाई और माइनस माइनस प्लस जेड वाई अब तो कोई लाइक टर्म नहीं है बस यही इसका आंसर होगा एथ डी का क्वेश्चन नंबर थर्टीन का ये आंसर हुआ एक सेकंड में जरा आंसर और चेक कर लूँ है ना क्योंकि मैं गलती कर देता हूं ओहो ओहो कहीं मिस्टेक कर दिया है एक्स वाई आ रहा है माइनस थ्री वाई ये है ये है माइनस थ्री वाई प्लस टू एक्स जेड प्लस टू एक्स जेड आ रहा है ये टर्म नहीं आ रहे भाई तो ये कटने थे ये वाई की जगह फोर तो नहीं है मैंने वाई लिख दिया हो तो भैया चेक करना पड़ेगा सही आंसर चेक कर लिया एक मिनट मिस्टेक आंसर में कितना थ्री वाई प्लस के टू जेड एक्स ये दोनों नहीं आ रहे फोर या तो ये 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 वाई जेड होगा तो कट तो जाएगा या तो वाई है मैं वाई को फोर लिख गया हूं अभी चेक हाँ 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 बिल्कुल हाँ, सही है बाई है देखो हीरा नहीं मिल गया ये वाई जेड फोर कर दिया सही आंसर चेक कर लिया तो ये वाई कर लो है ना बाई है ना दिख रहा है ना वाई जेड ये वाई जेड है कैसे पता क्यों ये नहीं आ रहे कैंसिल हो रहे और कैंसिल कब होंगे जब प्लस माइनस कहा गया वाई जेड और कहा गया

माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट ए माइनस टू बी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज तो हमें कुछ नहीं सिर्फ जो अभी तक करते हैं फर्स्ट बी बिल सॉल्व द स्मॉल ब्रैकेट और उससे पहले जो कुछ भी है एच इट ब्रिंग डाउन कर लो सेम ऐसा का ऐसे ही उतार लो हम ऐसा का ऐसे ही उतार लिया कर्ल, ओ सॉरी स्मॉल ब्रैकेट आ गया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर के टर्म कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा मतलब ना कोई एड हो रहा ना प्लस तो क्या करेंगे जो ब्रैकेट के बाहर साइनस का अंदर मल्टीपल कर दो माइनस का अंदर मल्टीपल करा तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस टू बी और स्मॉल ब्रैकेट रिमूव कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अब क्या होगा अब हम सॉल्व करेंगे किसको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करो करली ब्रैकेट देखो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल बस और कुछ नहीं हो रहा क्या बचा माइनस सी प्लस टू बी करली ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज तो नेक्स्ट स्टेप में करली ब्रैकेट भी रिमूव हो गया क्योंकि अंदर तो अपना ऐड हो रहा ना सपरेट हो रहा तो उससे पहले जो कुछ भी हम सेम उतारते जा रहे हैं देखो अब कर्ली ब्रैकेट आ गया कर्ली ब्रैकेट पहले माइनस है तो माइनस का अंदर साइन होगा माइनस माइनस प्लस सी और माइनस प्लस माइनस टू बी कल ब्रैकेट रिमूव किया गया अब क्या करेंगे सब में यही काम करना है। करते चलो। अगर कोई एड फैड हो रहा है, तो ऐड करेंगे एक एक माइनस के टू भी माइनस के टू भी एड हो जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के फोर बी प्लस सी अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा माइनस का अंदर मल्टीपल कर देंगे ये हो गया टू ए माइनस का जब मल्टीपल करा तो माइनस थ्री है टू ए में से थ्री ए सपरेट करेंगे तो माइनस के वन फोर बी और माइनस के थ्री सी फोर में से थ्री के तो प्लस के बी वन बी का मतलब वन लिखते नहीं तो ओनली बी और सी का एक ही टर्म है तो माइनस सी ओके तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का माइनस ए प्लस बी माइनस सी ये गया आपका पूरा क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा सा छोटा कर देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन इज माइनस ए माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस इन करली ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस टू ए माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट ए माइनस टू बी स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट के बाद माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज तो हमने देखा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो ही टर्म है ए और एक दूसरा माइनस टू बी ये तो सॉल्व होगा नहीं तो क्या करेंगे बस माइनस का मल्टीपल करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में यही काम करना है हमें सॉरी स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करना है और उससे पहले देखो मैं सेम उतारता रहा उतार कुछ चेंज नहीं कर रहा जब तक कि स्मॉल ब्रैकेट नहीं आता अब आ गया तो अब माइनस लिखा है तो माइनस का अंदर मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस ए और माइनस माइनस प्लस टू बी और क्या हुआ स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया हट गया अब हमें क्या काम करना है सेम काम करना है थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपको करली ब्रैकेट के लिए ठीक है तो दिख रहा गुंजाइश और कर देते हैं ठीक है अब देखिए तो ये सेम काम अब हमें करना है करली ब्रैकेट के लिए ए प्लस करली ब्रैकेट आ गया तो पहले करली ब्रैकेट में कुछ सोल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो कैसे देखो ये प्लस का ए है अंडरलाइन जो करिए और ये माइनस के ये। तो ये कैंसिल हो गए प्लस माइनस के कैंसिल हो जाते हैं ओके okay, इस बी से ये मत काट देना ये तो करली ब्रैकेट है है ना करली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा ये बी और ये प्लस अच्छा, के टू बी और अच्छा माइनस के और बचा तो माइनस टू एस टू बी कितने थ्री बी कल ब्रैकेट क्लोज कल्ली ब्रैकेट माइनस बी और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज ओके तो ये हुआ माइनस ए माइनस ए अभी तो सॉल्व हो नहीं रहा तो बस ब्रैकेट हट जाएगा प्लस के साइन है तो साइन सेम रहते हैं तो क्या जाएगा माइनस टू ए प्लस थ्री बी और ये क्या बचा माइनस बी अब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व कर लो आप कैसे सॉल्व हुआ ए में से टू ए सपरेट करेंगे वन में से टू गया माइनस वन और थ्री बी में से बी गए थ्री में से वन गया तो टू तो प्लस के टू बी नेक्स्ट स्टेप में आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा क्या करेंगे माइनस करना मल्टीपल माइनस माइनस माँण प्लस ए माइनस प्लस माइनस टू बी ए से माइनस टू बी इज द आंसर ओके मैं जरा आंसर चेक कर लू फिफ्टीन का माइनस टू बी है क्लियर okay, मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूं ये आप पूरा क्वेश्चन तो देखो कितने सिंपल है अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहे होंगे है ना आपका मन होगा हमें बड़े से, बड़े से बड़े क्वेश्चन दो हम तुरंत सोल्व करते हैं और आप लोग कर भी लोग मुझे पूरा भरोसा है ओके ना सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन माइनस इन क्लोज तो बार ब्रैकेट का एक ही क्वेश्चन था आपकी इस बुक में इस वाली एक्सरसाइज में बुक में तो है ना और पहले सिंप्लीफिकेशन उसमें है तो सबसे पहले हमने चाहिए बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इस माइनस को भूलिया बार ब्रैकेट का माइनस इससे पहले अगर सपोज करो होता ए बी नहीं होते तो हम टू में से थ्री सेपरेट करते क्या माइनस वन फिर ये ब्रैकेट हटा तो माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो यानी कि ये सॉल्व तो हो नहीं रहा है टू ए प्लस थ्री भी कुछ तो होगा नहीं इसका तो क्या बस बार ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का अंदर मल्टीपल हो जाएगा ये काम है तो हो जाएगा माइनस टू ए और माइनस थ्री बी और बार ब्रैकेट हो गया रिमूव स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अब किसका टर्म आ गया अब आ गया स्मॉल ब्रैकेट का टर्म जब हमने बार ब्रैकेट को हटा दिया तो स्मॉल ब्रैकेट का टर्म देखो थ्री बी से माइनस के थ्री बी कैंसिल तो क्या बचा माइनस टू ए क्लियर अब ये क्या हुआ टू ए माइनस अब तो स्मॉल ब्रैकेट में कुछ है नहीं तो बस क्या करेंगे माइनस का अंदर मल्टीपल माइनस माइनस प्लस टू ए स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया

सिक्स ए प्लस टू ए कितने होते हैं भाई एट ए माइनस फोर बी छोटा सा आंसर आया चेक कर लेता हूं ना एट ए माइनस फोर बी माइनस फाइव भी आ रहा है भाई? भाई B की मिस्टेक कर दी हमने एट ए माइनस फाइव भी आंसर आ रहा है बी कहाँ छोड़े आए हम एक मिनट देखते हैं चलिए है ना अभी चेक करो हम भी चेक करते हैं टू ए माइनस इन ब्रैकेट फोर बी माइनस इन करली ब्रैकेट फोर ए माइनस थ्री बी माइनस टू ए प्लस टू बी यहीं से गलती कर दी है ओह ओ ओ सब ग प्लस टू बी है भाई सवाल बता ली ये टू बी है कर दूं यहीं कर दूं देखो ये टू बी है ना तो ये टू बी बचेगा ठीक है ये टू है कौन सा ये गाला थ्री की जाएगा क्वेश्चन में टू ए मैंने थ्री लिख लिया तो टू बी अब ये मैंने काट दिए चलिए ये एक एक्स्ट्रा मैंने एक दो बार ऐसा कर चुका हूँ ना मिस्टेक कर चुका हूँ तो ये एक हो गया थ्री भी सबके थ्री बी करके आंसर तो आएगा अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करता हूं जब ये टू भी था जबकि मैं दो बार देख के उतार रहा हूं देख सवाल ओके चलिए दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को ये आपके एक एग्जाम्पल हो गया जब थ्री भी है अगर तो आंसर ये आएगा ठीक है ना अब टू भी है तो क्या आएगा चलो वो भी करते हैं तो ये थ्री भी किया टू बी इसको आप दोबारा करते हैं वो एक एग्जाम्पल समझ लो आप हालांकि आपको घर के लिए दे सकता था मैं सेम लोगे तो हमें क्या करना है केवल बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है और बार ब्रैकेट में क्या होगा अंदर माइनस का मल्टीपल माइनस टू ए माइनस टू बी यहीं से बी का आंसर अंतर पड़ गया था अब इसको हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है हो रहा है कैसे थ्री बी में से टू बी सपरेट करेंगे तो ओनली बी माइनस टू ए बाकी सारे ब्रैकेट क्लोज कर लिए तो क्या हो गया टू ए माइनस फोर बी माइनस इन करली ब्रैकेट फोर ए स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो माइनस का अंदर मल्टीपल माइनस बी माइनस माइनस प्लस टू ए स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करली एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज तो ये क्या हो गया टू ए माइनस फोर बी माइनस अब देखो ये सॉल्व हो रहा है फोर ए प्लस टू ए क्या हो गया सिक्स ए माइनस बी अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस का अंदर मल्टीपिल कर देंगे तो टू ए माइनस फोर बी माइनस सिक्स ए माइनस माइनस प्लस बी ओके तो ये क्या हो गया टू ए माइनस फोर बी प्लस बी कितने हो गए बिल्कुल ठीक बोल रहे हो फाइव बी माइनस सिक्स ए अब अंदर माइनस का मल्टीपल टू ए माइनस फाइव बी और माइनस माइनस प्लस सिक्स ए पहले हमारा था एट ए माइनस फोर बी अब आ माइनस फाइव बी वो माइनस मिस्टेक कर दी थी सिक्स ए प्लस टू ए कितना हो गया एट ए माइनस फाइव बी तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ओके नहीं देखा पूरा पूरा दिखा, दिखा। ये लो ओके okay? अब तो दिख गया तो नाउ वी विल सॉल्व लास्ट क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है आपको खूब मजे आ रहे हैं ना आ रहे होंगे नाउ लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन उ लास्ट क्वेश्चन फाइव एक्स माइनस इन ब्रैकेट फोर वाई माइनस इन करली ब्रैकेट सेवन एक्स माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट थ्री जेट माइनस टू वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस फोर जेट माइनस थ्री इन स्मॉल ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज दिख रहा है इसलिए मैंने जल्दी इस बोल दिया है तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट से पहले देखो मैं सेम उतारता चल रहा हूँ स्मॉल ब्रैकेट आ गया मैं रुक गया अंदर के दोनों टर्म कोई ऐड नहीं होंगे तो सिंपल माइनस का अंदर मल्टीपल तो माइनस का थ्री जेड में करा माइनस थ्री जेड माइनस माइनस प्लस टू बाई और ये स्मॉल ब्रैकेट रुम फिर बाकी आगे बढ़े हम फिर आगे स्मॉल ब्रैकेट अंदर के तीनों टर्म कोई सॉल्व नहीं हो रहे तो हमें माइनस थ्री का अंदर मल्टीपिल करना है थ्री का एक्स में करेंगे तो माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस थ्री थ्री या नाइन और बैरियल बाई साथ में बाई माइनस माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स और ओनली करली ब्रैकेट और कुछ है तो नहीं, नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज फाइव एक्स माइनस फोर वाई माइनस करली ब्रैकेट में पहले लाइक टर्म को सॉल्व कर ले रहे हैं देखिए जो मैंने अंडरलाइन करी है सेवन एक्स और माइनस थ्री एक्स सेवन में से थ्री एक्स सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा भैया फोर एक्स अब बाई का टर्म देखो प्लस के टू वाई डबल अंडरलाइन कर दिया आपको अंडरलाइन बगैर कुछ नहीं नहीं। ये तो आपको सो करने के लिए टू में से नाइन गए तो माइनस के सेवन वाई अब जेड वाला देख लो जेड के थ्री टर्म है एक दो तीन टर्म हाँ, है वही। प्लस के सिक्स जेड प्लस के सिक्स प्लस के फोर कितने हो गए प्लस के टेन जेड और टेन में से थ्री गए तो प्लस के सेवन जेड ओके सॉल्व हो गया नेक्स्ट स्टेप में हम करली ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे इजीली कैसे अब तो सॉल्व होना नहीं है केवल माइनस का मल्टीपल करना है तो माइनस फोर एक्स माइनस में क्यों था माइनस तो हो गया ये माइनस का 7 आई है सॉरी तो माइनस माइनस प्लस सेवन बाई और माइनस प्लस माइनस सेवन चेड करली ब्रैकेट क्लोज सॉरी रिमूव स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अब सेकेंड लास्ट स्टेप है क्योंकि हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4 पहले तुम x वाला टर्म लिख लो चलो माइनस का 4x ये जेड है ना जेड माइनस का x का एक ही टर्म था y के दो है प्लस के 4y प्लस के 7 तो क्या हो जाएगा प्लस के 11y और जेड का भी ये क्या माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट तो स्क्वायर ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x और क्या हो गए? 9x so okay, 9x और ये गया पूरा क्वेश्चन दिख रहा आपको आराम से ओके okay, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए क्योंकि आजकल स्कूल कोचिंग सब ऑफ पड़े हुए हैं लॉकडाउन की वजह से अनलॉक की वजह से तो मैथ में तो प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो उनकी हेल्प करेगी है ना और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ बेल आइकन को आप कर दें जिससे कि इसकी अगली एक्सरसाइज की जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा और वो आपकी वीडियो मिस नहीं होगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू हैव अ